साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। यूपी की सुरक्षा एजेंसियों ने एक बार फिर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के सक्रिय एजेंट की धरपकड़ शुरू कर दी है। यूपी के कई जिलों में छापेमारी की गई। इस छापेमारी के दौरान दर्जन भर से ज्यादा पीएफआई एजेंट को हिरासत में लिया गया है, तो वही उनसे पूछताछ का दौर भी शुरू हो गया है। वही आज भी लगातार पीएफआई को लेकर छापेमारी की कार्रवाई देखने को मिली। इस दौरान प्रदेश के कई जनपदों से कई एजेंट्स को गिरफ्तार किया गया है, उसको लेकर हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। आतंक की पाठशाला के टीचर्स गिरफ्तार। पीएफआई के ठिकानों पर एटीएस एनआईए की छापेमारी। पीएफआई का रक्षक बना वकील गिरफ्तार। और कितने संदिग्धों के खुलेंगे राज। यूपी नगर निकाय चुनाव, कर्नाटक विधानसभा चुनाव और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर देश की सियासत गरमाई हुई है। जहां एक ओर विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोकने की बात कर रहा है, वहीं तमाम सियासी मसले भी उछाले जा रहे हैं। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस के मैनिफेस्टो में केंद्र द्वारा प्रतिबंधित पीएफआई और बजरंग दल को बैन करने के ऐलान के बाद से पूरा माहौल ही बदल गया है। इस बीच उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत तमाम जिलों में यूपी एटीएस ने छापेमारी की। सख्त वजह जिससे पीएफआई पर लगा बैन, हिंसक और देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता, देश की शांति को भंग करना, आईएसआईएस से लिंक का खुलासा, आईएसआईएस और अलकायदा जैसी ट्रेनिंग के वीडियो, कार्डरों को हथियारबंद ट्रेनिंग, संदिग्ध अकाउंट में फंडिंग की पुष्टि। पीएफआई के खिलाफ बैन लगाने के लिए लगातार छापेमारी जारी है, जिसके लिए सुरक्षा एजेंसी और यूपी एटीएस की टीम पीएफआई के एजेंटों को कई दिनों से ट्रैक कर रही थी, जिसके बाद ही इन पीएफआई एजेंटों को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू हुई है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। ये बताइए, आज शुएब जी को हिरासत में लिया गया है, क्या कुछ मामला बताया गया था, कितने टाइम में उनको जो है यहाँ से ले जाया गया है? यहाँ से 7:45 बजे ले गए। कौन लोग आए थे लेने के लिए? ये कुछ नहीं मालूम, 3 तो पुलिस वाले थे पुलिस की ड्रेस में और 7 जो थे वो मतलब सिविल ड्रेस में थे। क्या जो शुएब को ले जाया गया तो उस विषय पे कुछ आप लोगों को जानकारी? नहीं, कुछ नहीं, हम लोग को कोई मामला ही नहीं कुछ था। आप शुएब जी की कौन है? हम उनकी मिसेज हैं। शुएब जी आखिर एडवोकेट और होने के साथ साथ क्या किसी और कुछ और भी काम कर रहे थे? नहीं, आजकल तो कुछ काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो 2 महीने से बीमार हैं, लोहिया में उनका इलाज चल रहा है। विकास नगर से एटीएस की टीम ने एक फोटोकॉपी की दुकान से एक पीएफआई एजेंट को उठाया और उसको अपने साथ ले गई। विकास नगर से पकड़ा गया पीएफआई सदस्य का पिछले दिनों कुर्सी गांव और इटौंजा में पकड़े गए पीएफआई एजेंट से संबंध बताया जा रहा है। इसके साथ ही एटीएस की टीम ने बीकेटी से 2 और अमीनाबाद से 1 अधिवक्ता मोहम्मद शुएब को हिरासत में लिया है। सुरक्षा एजेंसी और यूपी एटीएस की कार्रवाई में वाराणसी में स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर 4 एजेंट को पकड़ा है। इनको पकड़ने के लिए टीम ने आदमपुर, जैतपुरा, भेलूपुर, सारनाथ, कोतवाली और चौक थाना क्षेत्र को शनिवार सुबह से ही छापेमारी शुरू कर दी थी। इनके पास से मिले मोबाइल और लैपटॉप से कई संदिग्ध और देश विरोधी गतिविधियों से जुड़ी सामग्री मिलने की बात भी कही जा रही है। इसी तरह मुरादाबाद से एक युवक को उठाया है। बताया जा रहा है कि ये संविदा कर्मी अपने ब्लॉक में पीएफआई का प्रचार प्रसार कर रहा था। आजमगढ़ में निजामाबाद और मुबारकपुर थाना क्षेत्र में पीएफआई से जुड़े 3 लोगों को उठाया गया है। वहीं मेरठ के लिसाड़ी गेट और कोतवाली थाना क्षेत्र से 5 लोगों को उठाए जाने की अब तक की सूचना है। सुरक्षा एजेंसियां और यूपीएटीएस के संयुक्त ऑपरेशन एक बार फिर से पीएफआई के सदस्यों के खिलाफ शुरू हो गया है। इससे पहले पीएफआई के खिलाफ जो अभियान की शुरुआत हुई थी, उसमें एटीएस के साथ साथ जो सुरक्षा एजेंसियां थी कई जगह छापेमारी की थी, जिसमें कई लोगों की गिरफ्तारियां भी की गई थी। लेकिन अब जो शुरुआत फिर से हुई है, वो शनिवार की सुबह से एटीएस और सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई में कई जगह छापेमारी भी की गई। इस दौरान कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। वहीं बात की जाए लखनऊ की, तो लखनऊ के 3 जगहों से लोगों को हिरासत में लिया गया, जिसमें बीकेटी, अमीनाबाद और विकासनगर का हिस्सा शामिल है। तो वहीं
यूपी के जो जिले हैं उनमें जो नाम सामने आ रहे हैं, आजमगढ़, बहराइच, मेरठ समेत कई और जिले हैं जहां से लोगों को हिरासत में लिया गया है। फिलहाल अब तक जो हिरासत में लिए गए हैं उनकी संख्या दर्जन भर से अधिक बताई जा रही है। इतना ही नहीं, फिलहाल जो सूत्रों के द्वारा जानकारी मिल रही है उसमें बताया जा रहा है कि जो संदिग्ध सदस्य पकड़े गए हैं उनके पास से मोबाइल, लैपटॉप और कुछ दस्तावेज भी बरामद हुए हैं जो पूरी तरीके से संदिग्ध हैं। फिलहाल जो चीज़ें इन लोगों के पास से मिली हैं वो आखिर संदिग्ध होने के साथ साथ और इस मामले में एटीएस की टीम जांच कर रही है। लेकिन कहा जा रहा है कि जिस तरीके से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई के खिलाफ अभियान छेड़ा गया है तो इसमें अभी और कितने लोगों की गिरफ्तारियां होंगी। फिलहाल जिस तरीके से अमीनाबाद से रिहाई मंच के अध्यक्ष वकील मोहम्मद शुएब को भी उठाया गया है क्योंकि इनका नाता पुराना बताया जा रहा है, क्योंकि एनआरसी सीए के दौरान से ही इनके द्वारा सक्रिय होने की जानकारियां प्राप्त हो रही थी। फिलहाल अब एटीएस और सुरक्षा एजेंसियां जिस तरीके से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ अभियान चला रही है तो इसमें अभी और कितनी गिरफ्तारियां होंगी इस पर भी सवाल लगातार बरकरार है। और इसमें अभी तक किसी भी अधिकारी का कोई बयान भी सामने नहीं आया है और अधिकारी जो इसमें बयान देंगे उसमें कितने लोगों की अब तक गिरफ्तारियां भी सामने आएंगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम टीवी, लखनऊ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। झूठ नहीं पाएगी अब यू